कैनॉट ऑल्टर बिहेवियर टू डील विथ वार्मर क्लाइमेट, ये एक 17 जनवरी का न्यूज़ है, डाउन टू अर्थ में आया है, एनवायरमेंट का न्यूज़ है। तो क्या है रिपोर्ट, ये आया है कि दे कांट ऑल्टर देयर बिहेवियर टू डील विथ वार्मर क्लाइमेट। अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर एंड वार्मर डे बाई डे। यहाँ पे देख लो हैदराबाद में, आई एम वेटिंग फॉर विंटर टू कम। नहीं आएगा ना, पूरा फाइनल हो गया, नहीं आएगा, हम नहीं आएंगे, और समर आएगा। अब देखो यहाँ पे, सी हाउ टू टेक दिस कंटेंट थ्रू एग्जाम पर्सपेक्टिव इज मोर इम्पोर्टेंट। देखो एक स्टडी आया है, इंसेक्ट्स आर कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर्स, ठीक है, इंसेक्ट्स, दीज आर कॉल्ड एक्टोथर्म्स। अगेन प्रिलिम्स, एक्टोथर्म्स एक टर्म का नाम मिल गया, एनी काइंड ऑफ प्रिलिम्स, एनी एग्जाम, देयर बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्सेस लाइक सनलाइट। ह्यूमन्स आर एंडोथर्म्स, दे मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विदाउट रिलाइंग ऑन द एनवायरमेंट। एंडोथर्म्स वो अपना बॉडी टेम्परेचर के लिए रिलाई नहीं करते एनवायरमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरमेंट में। यस, इफेक्ट तो होता है बट बॉडी टेम्परेचर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, एक्टोथर्म्स में वो होता है इंसेक्ट्स, ठीक है। एज एंट्स बॉडी टेम्परेचर वेराइज विद द एनवायरमेंट, दे आर थॉट टू बी हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज, दे आर वेरी वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज एंट्स। ठीक है, जैसे कि दिस ईयर क्वेश्चन आया था लंग्स ऑफ रेन फॉरेस्ट समथिंग, कुछ क्वेश्चन आया था लंग्स ऑफ समथिंग आया था ना एक क्वेश्चन। सो सिमिलरली दे कैन आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज इकोसिस्टम इंजीनियर्स, अगेन प्रीलिम्स क्वेश्चन। इकोसिस्टम इंजीनियर्स, अब एक ऑप्शन रहेगा एंट्स, ठीक है, दो ऑप्शन रहेगा जो कि आपको लगेगा कि यही इंजीनियर है, प्लांट्स रहेगा, ट्रीज रहेगा, और एक रहेगा क्या, दे विल पुट दोज वर्ड्स व्हिच आर वेरी रिलेटेबल टू यू, खास करके नंबर वन मैंग्रोव्स, हमेशा मैंग्रोव्स पढ़ते हो, बुक में आता है, हाँ हाँ यही तो करता है इंजीनियर, तुमको थोड़ी पता है MBA किया है, इंजीनियर किया है। टर्मिनोलॉजी दिया गया है बाय साइंटिस्ट, देयर सम टर्मिनोलॉजी हैव बीन गिवन बाय द साइंटिस्ट। सो इकोसिस्टम इंजीनियर्स आर एंट्स, दीज इंसेक्ट्स मूव द सॉइल। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड इकोसिस्टम इंजीनियर्स, बिकॉज दे मूव द सॉइल ड्यूरिंग नेस्ट बिल्डिंग एंड फॉरेजिंग, अफेक्टिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन इट, ठीक है, इसीलिए उनको इकोसिस्टम इंजीनियर्स बोला जाता है, ठीक है। सो एक यहां पे मिल गया, एक यहां पे मिल गया, आपको ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन के लिए कंटेंट मिल गया, ठीक है।